घुमारवीं बस स्टैंड पर यात्रियों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए एसडीएम शशिपाल शर्मा ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया। स्थानीय दुकानदारों को समस्या उत्पन्न हो रही थी कि बस स्टैंड को जाने के लिए जहां से बसें बाहर आती थी उस सड़क के मुख्य द्वार पर पुलिस का नाका लगाया गया था, जिससे सवारियों को बस स्टैंड के लिए दूसरे रास्ते से भेजा जाता है और वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाती थी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बस स्टैंड पर एक कोने पर यात्रियों व लोगों के लिए जो आता जाता था उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती थी। स्थानीय दुकानदारों ने इसका विरोध किया था और एसडीएम को अवगत करवाया था कि स्वास्थ्य विभाग के दो काउंटर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए लगाए जाएं, जिससे लोग मुख्य सड़क से होकर भी जा सकें। एसडीएम शशिपाल शर्मा ने बस स्टैंड का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बृहस्पतिवार से दो काउंटर लगा दिए जाएं, जिससे दुकानदारों को जो समस्या आ रही थी उससे दुकानदारों को निजात मिल सके। जिसमें एक तरफ से एंट्री रखी थी लोगों की ताकि सभी की स्कैनिंग हो सके और उसके बाद ही कोई भी बस में चढ़े। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और लोगों ने भी ऐसा ध्यान में लाया था कि बहुत सारे लोग जो मेन एनएच से जुड़ता हुआ रोड है वहां से आते हैं और उनको दूसरे कोने में स्कैनिंग के जाने के लिए थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो वो बात जब ध्यान में लाई गई तो उसको लेकर आज निरीक्षण किया गया कि क्या उसका कोई लोगों की सुविधा के लिए कोई ऐसा समाधान निकाला जा सकता है। उस संदर्भ में आज बस अड्डा अथॉरिटी और हेल्थ और पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है कि जो मेन एनएच से आने वाली एंट्रेंस है उसके साथ जो ट्रेन शेल्टर मौजूद है वहां पर भी एक स्क्रीनिंग के लिए जो है तो टीम बिठाई जाए ताकि जो लोग इधर से आते हैं उनकी स्क्रीनिंग वहीं पर सुनिश्चित की जा सके।